दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा नो सर्विस नो नेटवर्क प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, खास करके MI जो कि Xiaomi कंपनी से बना हुआ MI मॉडल में बहुत सारा मॉडल में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। ठीक ऐसे ही दोस्तों हमारे पास भी एक मॉडल आया है जिसका मॉडल नंबर है Redmi 8। ये मॉडल में दोस्तों नो सर्विस का प्रॉब्लम आया है। जैसे कि आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं 2 SIM लगा दिया हूँ, उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर नेटवर्क जहाँ देखना चाहिए वहाँ पे हमको नेटवर्क में क्रॉस मार्क दिखा रहा है। ये दोस्तों Redmi 8 8A 8A Dual में सेम मॉडल है और सेम प्रोसेस में ये काम किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नो सर्विस का डिस्प्ले में शो हो रहा है, नो सर्विस दोनों ही सिम का लिख रहा है और नेटवर्क में भी क्रॉस मार्क दिखा रहा है। तो ये मोबाइल को हम लोग आज रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया था और कैसे इसको ठीक करना है और क्या कारण से ये नो सर्विस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है प्रॉब्लम, जो कि Xiaomi कंपनी का मोबाइल में। और हम लोग ठीक करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम इसमें आया था और कैसे ये प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें ये वीडियो में पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों ये मोबाइल का बेस बैंड आप चेक कर सकते हैं आपके फ़ोन में अबाउट में जाके। यहाँ पे देख सकते हैं ये Redmi 8 मॉडल है, मैं आपके स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके सामने में ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो कि Redmi 8 मॉडल आपके स्क्रीन में देख पा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखने के लिए कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो इसका बेसबैंड है ये भी बेसबैंड स्टेटस जो है ये भी बहुत ही अच्छा है और जैसे होना चाहिए ठीक वैसे ही है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम आया था, कैसे ठीक करना है, ये वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें TechSriranjan चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, TechSriranjan में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो जरूर से दूसरे के साथ शेयर करें। और मेरे को सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो वहाँ पर जाके पूछताछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये Redmi 8 मॉडल है, जैसे कि आपको हेडिंग में दिखाया ये 3 मॉडल में ये प्रोसीजर में हम काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको पहले हमको समझना होगा इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है और हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम है जिस कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम आया है ये मोबाइल में। जैसे कि दोस्तों आपको पहले दिखाया मैंने इसका बेसबैंड स्टेटस ओके है और बेसबैंड स्टेटस ओके होने के बावजूद भी ये नेटवर्क प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है या फिर आपके पास ऐसे ही मोबाइल में प्रॉब्लम आया था तो आप कैसे बनाएं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर से लाइक करें क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके सामने मैं लाने की कोशिश करता हूं और डिटेल में समझाने की भी कोशिश करता हूं। बात कहते कहते मैं मोबाइल का जो ऊपर में स्टील कवर जो सेफ्टी कवर रहता है उसको मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों सेफ्टी कवर अगर नहीं निकालेंगे तो ये इसमें काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बिल्कुल ही फ्रेश था और कहीं पे भी नहीं खुला था, लेकिन दोस्तों जब मैं बैक कवर निकालने की कोशिश किया वहाँ पे हल्का सा पानी गिरने जैसा दिख रहा था, लेकिन मदरबोर्ड में कुछ पानी का इशू नहीं दिख रहा है, वाटर डैमेज लिक्विड डैमेज का इशू नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने ही इसका ऊपर का कवर जो सेफ्टी कवर लगा था इसको मैंने निकाला हूँ, पहले से कहीं पर भी काम होकर नहीं आया है, बिल्कुल ही फ्रेश बोर्ड है और फ्रेश मोबाइल भी है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेटवर्क सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या लगा है। एक पावर एम्पलीफायर लगा है और दूसरा जो लगा है ये WTR IC। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं WTR IC, बहुत ही सेट में बहुत ही केस में या फिर बहुत ही प्रॉब्लम जो आ रहा है मोबाइल में ये WTR जो कि WTR 2965 ये नंबर का WTR लगा हुआ है, या फिर जितना भी चाइनीज़ मोबाइल हैं जो कि क्वालकॉम बेस्ड मोबाइल है वहाँ पे 2965 मॉडल का WTR IC लगा देते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये WTR IC बहुत ही ज़्यादा ख़राब
होता है और अभी तक जितना भी मोबाइल मैंने बनाया हूँ लगभग ही ये प्रॉब्लम में, नेटवर्क प्रॉब्लम में, नो सर्विस प्रॉब्लम में, WTR IC का प्रॉब्लम 100% चांसेस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों हम लोग भी सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है और देखेंगे कि WTR IC का प्रॉब्लम है या फिर पावर IC या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मोबाइल को चालू कंडीशन में ले आया हूँ और यहाँ पे मीटर भी आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा फोकस एडजस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोस्तों ये जो मीटर है ठीक मीटर के ऊपर में ही हमारा जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट वहाँ पर लगा हुआ है, उसी के लिए दोस्तों लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैं दो कैपेसिटर में इसका वोल्टेज सप्लाई टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमको कुछ भी वोल्टेज नहीं देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमको 1.8 वोल्ट और एक कैपेसिटर में 0.99 या फिर 1 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए जो कि WTR IC में सप्लाई जाता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पावर एम्पलीफायर में IC में 3.89 वोल्टेज के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों और एक बार आपके सामने चेक किया मैंने लेकिन यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आया, ये भी मोबाइल सर्चिंग मोड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिम लगा था पहले से, इस टाइम में मैं सर्चिंग मोड में चेक कर रहा था लेकिन अभी सिम को निकाल दिया हूँ फिर भी हमको वोल्टेज कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब पावर IC से सप्लाई नहीं आ रहा है या फिर WTR IC ख़राब होने के कारण से वोल्टेज हमको ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग WTR IC को पहले रिमूव करेंगे, एक बार रिप्लेस करके दूसरा वाला लगा के देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने WTR IC को आपके सामने चेक किया, ट्रेस किया, यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए कुछ भी नहीं मिला लेकिन पावर एम्पलीफायर IC जो लगा था यहाँ पे हमको 3.89 या फिर 3.8 वोल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा था। इसका मतलब नेटवर्क सेक्शन में दो IC लगा है और एक IC में सप्लाई मिल रहा है, दूसरा IC में सप्लाई देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पावर IC से सप्लाई नहीं आ रहा है या फिर WTR IC ख़राब होने के कारण से भी सप्लाई को ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले WTR IC जो कि 2965 लगा है ये मॉडल में और ये Redmi का 8 मॉडल है और ये दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये Redmi 8, 8A और 8A Dual में तीनों सेट में एक ही प्रोसेस है और फॉल्ट फाइंडिंग करने का एक ही तरीका है। दोस्तों ये आपको बताना चाहूँगा, आपके सामने मैं WTR IC को रिमूव करूँगा, रिप्लेस करूँगा, देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था यहाँ पर सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल में नए आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ और पूरे डिटेल में समझाने की भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा और, मेरा नया सेटअप बनने वाला है और यहाँ पर मैं और यहाँ पे नया नया टूल के साथ में अपडेट होके अपग्रेड होके मैं आपके सामने अगले कुछ दिनों में ये वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि दोस्तों इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों ही जानकारी मैं डिटेल में देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते करते यहाँ पर WTR IC को हम लोग रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं WTR IC रिमूव करने के बाद इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद यहाँ पे नया WTR IC सेट करेंगे या फिर बैठा देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं WTRIC को मैंने रिमूव करके नया वाला यहाँ पे बैठा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपके स्क्रीन में यहाँ पे WTRIC जो कि 2965 मॉडल लगा हुआ था नंबर का, यहाँ पे मैं चेंज करके आपके सामने मोबाइल को पूरा फिटिंग कर दिया हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ क्वेरी है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं WTRIC को फिट करने के बाद मदरबोर्ड को पूरा फुल फिटिंग कर दिया हूँ और यहाँ पे दो सिम लगा के डायरेक्ट ही चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क आया या फिर नहीं आया। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप ना करें, यहाँ पे कुछ भी स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल को मैं कर दिया हूँ चालू और थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर फुल नॉर्मल स्पीड में चलाऊँगा तो ये काफ़ी लंबा होने वाला था वीडियो, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा बीच में यहाँ पर स्पीड को बढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जियो 4G हमको दिख गया है और यहाँ पे नेटवर्क भी दिख गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये Redmi 8 में जो नो सर्विस नो नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था यहाँ पे सही हो गया है। देख सकते हैं नो नेटवर्क जहाँ नो सर्विस जहाँ दिखा रहा था वहाँ पे जियो 4G लिखा आ गया है और यहाँ पे नेटवर्क जो जहाँ पे क्रॉस मार्क दिखा रहा था वहाँ पे थोड़ा सा टावर या फिर सिग्नल दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों पीछे का बैक पैनल नहीं लगाया हूँ उसी के लिए ये नेटवर्क जो है जो हम लोग टावर बोलते हैं ये थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों अभी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज कहाँ पे आ रहा था, या फिर पहले हम लोग चेक कर रहे थे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा था, अभी क्या मिल रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 1.75 के आसपास दिखा रहा है एक कैपेसिटर में और दूसरा कैपेसिटर में ये फ्लक्चुएट हो रहा है और कुछ भी वोल्टेज हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में 0.8 या फिर 0.84 वोल्टेज तक आ रहा है कांटा, जहाँ पे हमको ये जो मीटर का रीडिंग है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले जैसे कि आपको बताया मैंने दो कैपेसिटर में, एक कैपेसिटर में हमको 1.8 वोल्ट और दूसरा कैपेसिटर में 0.1 वोल्ट या फिर 1 वोल्ट के आसपास हमको मिलना चाहिए। पहले नहीं मिल रहा था, WTRIC खराब हो गया था, इस कारण से हमको वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था और जिस कारण से हमको वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज तो हमको मिल गया, नेटवर्क भी आ गया और ये तीन मॉडल में काम करता है। ये प्रोसीजर में आप काम करेंगे तो Redmi 8A और 8A Dual में ये तीनों मॉडल में आप लोग काम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।